हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हेमा जोशी। हेमा जोशी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ जन्माष्टमी स्पेशल मखाने की खीर। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्थी रेसिपी है। मखाने की खीर को आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मखाने की खीर बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 कप मखाने, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैंने थोड़े थोड़े बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट लिया है। 1/2 स्पून इलायची पाउडर, 2 चम्मच नारियल पाउडर, 1/2 कप चीनी और 1/2 लीटर दूध लिया है। सबसे पहले हम गैस में कढ़ाई रखेंगे और 2 चम्मच घी डालकर गरम कर लेंगे। गैस को कम आंच पर रखें। फिर हम मखाने को डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। 2 मिनट मखाने को भूनना है। जब मखाने 2 मिनट भून जाए तो उसे निकाल कर ठंडा होने दें और फिर दरदरा पीस लें। 2 मिनट मखाने भून चुके हैं, अब हम इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख लेंगे। अब हम उसी पैन में 1/2 चम्मच घी डालकर मिक्स ड्राई फ्रूट्स को 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट होने के बाद इसे भी दरदरा पीस लें या छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। अब हम पैन में 1/2 लीटर दूध डालकर 1 उबाल आने तक पकाएंगे और गैस को मीडियम आंच पर ही रखें। अब दूध में 1 उबाल आ चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा सा कलछी से चला लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 कप चीनी। फिर चीनी को मेल्ट होने तक पकाएं। चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने दरदरा पिसा हुआ था मखाना, वो हम मिलाएंगे और दूध में अच्छे से मिक्स करना है। मखाने को 5 मिनट पका लें। पाँच मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच नारियल पाउडर और 1 चम्मच शहद। शहद मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें और 1 मिनट और पका लें। 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें मैं दरदरा पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स मिला लूँगी। फिर मखाने के खीर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा गाढ़ा होने के बाद अब हम इसमें मिला लेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और अच्छे से मिक्स करना है। खीर को 2 मिनट और पका लें। ये देखो मखाने की खीर कितनी अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे 1 बाउल में निकाल लेंगे। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।